प्रिय भाइयों बहनों नमस्कार। 26 जुलाई को करगिल विजय के 21 वर्ष पूरे होंगे और करगिल विजय के लिए हमारे 75 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब भी देश को सैनिकों की जरूरत हुई, शहादत की जरूरत हुई, तो उत्तराखंड ने उसमें अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभाई। करगिल का युद्ध ये सामान्य युद्ध नहीं था, ये असामान्य था, अभूतपूर्व था। शत्रु हजारों फीट की ऊंचाई पर था और हम नीचे थे। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई न पहले लड़ी गई, न भविष्य में इस तरह की लड़ाई की संभावनाएं लगती हैं। ऐसे में हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, मैं उन सभी बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार सदैव अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके जो आश्रित हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया है। जो धनराशि दी जाती है, हमारा स्पष्ट मानना है कि राशि चाहे कितनी अधिक हो, एक समय सीमा के अंतर्गत तो फिर समाप्त हो जाती है और इसलिए उनके आश्रित को सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया। इसी तरह से जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो आश्रित हैं, उसके लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान इन 3 वर्षों में हमने किया है। इन 3 वर्षों में लगभग 4000 सैनिक, उन पर हमने सम्मान के रूप में 31 करोड़ रुपया सम्मान राशि के रूप में उनके परिजनों को दिया गया है। मैं तमाम उन सैनिकों को, उनके आश्रितों को एक बार फिर आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके साथ में है, हम सदैव उनके साथ खड़े होंगे। इसी तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनधारी थे, उनको मात्र 4000 रुपया पेंशन मासिक रूप से दी जाती थी, हमने उसको बढ़ा करके 8000 रुपया किया। हमारे जो सम्मानित, जिनको मेडल प्राप्त जो हमारे सेनानी हैं, उनकी राशि भी हमने अभूतपूर्व रूप से बढ़ाई है। मैं आपको बता दूं कि जिन सैनिकों को विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया, उनकी जो अनुमन्य राशि थी, उनको 15000 रुपए से बढ़ा करके और 2,00,000 रुपए किया गया। अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त, उनको 7000 रुपए मिलता था, जिनको बढ़ा करके 1,50,000 रुपए किया गया। सेना मेडल पर राशि पहले अनुमन्य नहीं थी, अब इसके लिए 1,00,000 रुपए की राशि अनुमन्य की गई है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल में एकमुश्त जो अनुमन्य राशि को 3,000 रुपए से बढ़ा करके और 75,000 रुपया किया गया। ये हमारी अपने सैनिकों के प्रति, उनके आश्रितों के प्रति हमारी जो सद्भावनाएं हैं, उसको प्रकट करती हैं। और इसलिए मित्रों, मैं अपने तमाम जो हमारे सैनिक भाई हैं, हमने इसके लिए देहरादून में एक जो डिसेबल्ड हमारे सैनिक होते हैं, उनके बच्चों के लिए लैंसडाउन में एक विद्यालय था, वहाँ पर अच्छी शिक्षा के अभाव के कारण हमने देहरादून में उसके लिए एक हॉस्टल बनाया। सेना को हमने उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया। आज उन बच्चों की च्वाइस है, उनके पास अनेक विद्यालय हैं, वो अपने योग्यता के अनुसार उन विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। यही नहीं, हमने उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर में
उसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी हम लोगों ने उनके लिए व्यवस्था की। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने होम स्टे नीति हम लाए, पिरूल से बिजली बनाने की नीति हम लाए, सौर ऊर्जा की नीति हम लाए हैं, उसमें भी हमारे जो सैनिक परिवार हैं वो भी उसमें सहभागी हो सकते हैं, उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं तमाम अपने सैनिक भाइयों को आज करगिल विजय दिवस के अवसर पर, जिसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनको पुनः उन सैनिकों का स्मरण करते हैं। इसके साथ ही मैं स्मरण करना चाहूँगा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सैनिकों के लिए जो सम्मान उन्हें दिया, सैनिकों के जो पार्थिव देह होती थी, जो शहीद हो जाते थे सीमाओं पर, उनको घर तक पहुंचाने का, और यही नहीं, उनके सम्मान में आज हम देखते हैं कि हजारों भीड़ उमड़ पड़ती है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब हमारे बीच में देह रूप में नहीं है, उनको भी आज हम स्मरण करते हैं, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।